कि पोको वापस आ रहा है, कंफर्म आ रहा है, बिल्कुल कंफर्म आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग पोको F2। दोस्तों पोको की तरफ से कई सारे नए स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। और दोस्तों अगर आप पोको के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि पोको F1 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि अभी तक काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में अपने कैमरा परफॉर्मेंस और प्राइस को लेकर। और दोस्तों यही रीज़न है कि कई सारे लोग पोको F2 का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और काफ़ी टाइम से इस फ़ोन के लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन अब इस फ़ोन के ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन लीक्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे इस फ़ोन में, कितनी प्राइस में ये फ़ोन आ सकता है और कब तक ये फ़ोन लॉन्च होगा इंडिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस बार आपको पोको फ़ोन का लुक काफ़ी अलग मिलने वाला है। तो पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगी 6.39 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज की बेजल लेस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 409 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा। और फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। कोई भी गेम आप फ़ोन में आराम से चला पाएंगे, कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको फ़ोन में नहीं मिलने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10.0 क्यू का ऑपरेटिंग सिस्टम, और कस्टम यूआई आपको मिलेगा MIUI 11। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, जो कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 45 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों फ़ोन आने वाला है 3 रैम वेरिएंट में। पहला वेरिएंट होगा 6GB 128GB, दूसरा वेरिएंट होगा 8GB 128GB, और तीसरा वेरिएंट होगा 12GB 256GB। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 27,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में मार्च या अप्रैल के मंथ तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।